एग्जाम्पल नंबर 3.6 द क्वेश्चन इज अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। कोई क्यूबिकल नेटवर्क है जिसके सभी एज पे 1 ओम का रजिस्टर है। ऐसे 12 रजिस्टर का यूज करके एक क्यूब बनाया गया है। इस क्यूब के दो ऑपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। हमें इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इस क्यूब के सभी एज में से कितना करंट फ्लो होगा वो भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हो ए पॉइंट पे ए से बी की ओर, ए से डी की ओर एंड ए से ए डैश की ओर सेम सिमेट्री है। दैट मींस जो भी करंट जंक्शन ए पे आएगा वो करंट इस पॉइंट से तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से 3i जितना करंट बाहर आ रहा है। यहां पर i क्या है वो हमें नहीं पता। अब ये 3i करंट जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचेगा तीनों साइड सेम सिमेट्री होने की वजह से वो तीनों साइड इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस ए से डी की ओर i करंट जाएगा, ए से बी की ओर आई करंट जाएगा एंड ए से एडेस की ओर भी आई करंट जाएगा। अब वर्टाइसिस एडेस डी एंड बी पर भी सेम होगा। ये तीनों पॉइंट के आगे फिर से सेम सिमेट्री होगी। दैट मींस जो भी करंट इस वर्टाइसिस पे आएंगे वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। दैट मींस यहां से आई करंट आया तो एडेस पे वो i/2 ऐसे डिवाइड हो जाएगी। d पॉइंट से d' की ओर भी i/2, d से c की ओर भी i/2, b से b' की ओर i/2 एंड b से c की ओर भी i/2। अब यहां से d' पॉइंट की बात करें तो यहां से i/2 करंट आ रहा है, यहां से i/2 करंट आएगा, दोनों का ऐड होके d' से c' की ओर i/2 + i/2 दैट मींस i करंट जाएगा। b' पॉइंट पे एडेस से i/2 करंट आया, बी से i/2 करंट आया, दोनों का एडिशन होके सीडेस की ओर i जितना करंट जाएगा। और सेम सी पॉइंट पे डी से i/2 करंट और बी से i/2 करंट आएगा और दोनों एड होके सीडेस की ओर i करंट जाएगा। सीडेस पॉइंट पे डी डेस से बी डेस से एंड सी से तीनों जगह से i जितना करंट आएगा और तीनों ऐड होके आगे फिर से 3i जितना करंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखना कि किसी भी बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल में से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होना चाहिए। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लूप ए बी सी सी डैश ई ए के लिए किरचॉफ सेकेंड रूल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो ए से बी की ओर आई करंट जा रहा है, करंट झरने की डायरेक्शन में है, रजिस्टर आर दैट मींस माइनस आई आर। बी से सी की ओर झरने की डायरेक्शन एंड करंट i/2 की डायरेक्शन सेम दैट मींस माइनस i/2 आर। सी से सी डैश की ओर झरने की डायरेक्शन एंड करंट i की डायरेक्शन सेम दैट मींस माइनस आई आर। सी डैश से आगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं दैट मींस उसका ईएमएफ हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में से हम बाहर आ रहे हैं। सो प्लस 10 इक्वल टू 0। सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल i इक्वल टू मिलेगा 4/r एम्पियर, जहां पे r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है r इक्वल टू 1 ओम। अगर हम यहां पे लिख दें तो ये करंट हो जाएगा 4 एम्पियर, i इक्वल टू 4 एम्पियर। अब यहां पर ये जो सर्किट है उसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
लेट सपोज ये पूरा जो क्यूबिकल नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। तो अब अगर उसको मैं आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्यूबिकल नेटवर्क की जगह आर इक्विवेलेंट, बैटरी जो हमने अप्लाई की थी वही 10 वोल्ट, बैटरी में से जो करंट निकल रहा था वही सेम 3i। अब इस सर्किट के लिए अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो इक्वेशन होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बाय आई, दैट मीन्स टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज है 10 डिवाइड बाय टोटल करंट है 3i। अब इस इक्वेशन में हम i की वैल्यू रखें तो i इक्वल टू है 4r, यहां पर अप्लाई करेंगे तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा r इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/3 इंटू 4r। सॉल्व करेंगे तो r इक्विवेलेंट मिल रहा है हमें 5/6r, फिर से r की वैल्यू 1 ओम तो r इक्विवेलेंट मिलेगा 5/6 ओम। तो इस क्यूबिकल नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5/6 ओम। अब सभी ब्रांचेस में सभी एजेस में करंट फाइंड करना है। अब हमें I इक्वल टू मिला है 4 एम्पियर। अब हम देख सकते हैं A से B की ओर, A से D की ओर एंड A से एडेस की ओर I करंट जा रहा है, दैट मीन्स इस तीनों एजेस में 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा। एडेस से बीडेस की ओर, एडेस से डीडेस की ओर, डी से डीडेस की ओर, डी से सी की ओर, बी से बीडेस की ओर, बी से सी की ओर I by 2 जितना करंट जा रहा है। I by 2 में I equal to 4 एम्पियर रखेंगे तो इस सभी ब्रांचेस में 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा। स्टूडेंट्स हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर 3i करंट लिया हुआ है, आप चाहे तो यहां पर I करंट भी ले सकते हैं। अगर आप यहां पे I करंट ले रहे हैं तो A पॉइंट पे वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा I by 3, I by 3, I by 3। आगे जाके वो I/3/2, दैट मींस I/6, I/6 इस तरह से डिवाइड होगा। लेकिन फाइनल जो हमें सभी एजेस में से करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही मिलेगी। उससे भी सिंपल करना है तो यहां पर आप 6i भी ले सकते हैं। 6i इस पॉइंट पे तीन पार्ट में डिवाइड हो गए 2i 2i 2i, उससे आगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए i एंड i। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी करंट की वैल्यू ले सकते हैं।